अब तो भैया नहीं तब क्या। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33% के कटाव को बचाने के लिए सभी साथी एकजुट हुए हैं। बैनर पोस्टर का काम चल रहा है, टोपी बनाई जा रही है, सरकार को कल दिखा देना है कि हम लोग क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। हम लोग क्रांतिकारी शिक्षक हैं और क्रांतिकारी रूप में अब आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लखनऊ की लीगल टीम लगातार मेहनत करते हुए कोर्ट का काम देखती है और आज आपके धरने को सफल बनाने के लिए इस समय टोपी बना रहे हैं। आप ऐसे संघर्षशील साथी के साथी हैं जो कल्पना नहीं किया जा सकता। और आप लोग अगर घर में बैठे हैं तो घर से निकलिए और इनके जज्बे को सलाम करिए और कंधे से कंधा मिलाकर कल विधानसभा घेराव का काम कर लिए। कल हम लोग विधानसभा घेरेंगे और शासन प्रशासन को ये बता देंगे कि 30-33% का कटाव अटल सत्य है और रहेगा। यदि ये नहीं लागू होता तो हम लोग अब विधानसभा से घर नहीं जाएंगे। लाठियां कितनी भी पड़े हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। बाकी आगे की कहानी हमारे आशुतोष भाई बयां करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 2 नवंबर को विधानसभा घेराव का आह्वान कर दिया गया है। हम किसी से कम नहीं है। यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो विधानसभा की कल ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। विधानसभा पर कल तांडव होगा। बहुत हो गई अत्याचार, अब की बार केवल और केवल 30-33 बहाली का काम होगा। हम विधानसभा से तभी जाएंगे, तभी हटेंगे जब माननीय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी ये खुले मंच से आकर के आह्वान कर देंगे कि 30-33 कटाव पर हम पूरी भर्ती संपन्न कराएंगे। अब हमको मौखिक कुछ नहीं चाहिए, लिखित चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया जुर्म, बहुत सह लिया अत्याचार और हम लोग दिवाली भी नहीं मनाएंगे। हम लोगों का हौसला देख करके डॉक्टर प्रभात कुमार आपको शर्म आनी चाहिए कि हम सभी पीड़ित होकर के अपनी जायज मांग मांगने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ना तो कोई जू रेंग रही है ना तो योगी सरकार कोई इसके संज्ञान ले रही है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात जी आपसे हम निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि दीपावली के पहले लिखित में शासनादेश ला करके ऐसा नजीर पेश करें कि समस्त अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक मिल सके। और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारा संघर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा और 2019 में आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। कहते हैं कि परिंदों को मिलेंगी मंजिलें एक दिन, अरे परिंदों को मिलेंगी मंजिलें एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अरे वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने जिनके हुनर बोलते हैं। हम लोग पीड़ित हैं, 30-33 कटाव यदि लग जाए तो सभी लोग को नियुक्ति मिल जाएगी। जब तक हम लोग नियुक्ति नहीं पा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। 68,500 शिक्षक भर्ती एक जिद है, इसी 68,500 शिक्षक भर्ती में हमें एक पद सुनिश्चित कराना है। इसके इतर कोई स्वीकार नहीं होगा, ना तो हम जुमलेबाज में आएंगे ना तो कोई जुमलेबाजी स्वीकार करी जाएगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में एक पद है हमारा, इसको हम लेकर रहेंगे। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लीगल टीम लगातार कल 2 नवंबर के विधानसभा घेराव में बखूबी अंजाम देने के लिए कार्य कर रही है इतनी तत्परता के साथ, तो आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। अवनीश भाई जो कि लीगल टीम के पुरोधा है, लीगल टीम के सरदार के नाम से आज जो लीगल टीम यहां पर पहुंची है तो केवल उन्हीं की बदौलत, उनके जज्बे को सलाम करिए आप लोग। और आप लोग जो अभी तक घर पर बैठे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। और आलोक जी जो लीगल टीम को लगातार विधि सलाहकार माने जाते हैं, लीगल टीम के जितने भी आज तक केस हुए आलोक जी का ये अथक प्रयास रहा, जितने भी आर्डर हुए वकीलों तक पहुंचाने का काम आलोक जी ने कराया और लगातार धरने में भी लगातार अपना सहभागिता निभा रहे हैं, आप देख सकते हैं।